हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। वीडियो का थंबनेल और टाइटल देख के तो आप समझ गए होंगे कि आज का वीडियो किस टॉपिक पे होने वाला है। जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियोस में बताया था कि मैं जब भी लद्दाख ट्रिप का प्लान करूंगा आप लोगों को सबसे पहले बताऊंगा। तो बस आ गया है वो सीज़न, आ गया है वो मौसम जब हमें लद्दाख ट्रिप का प्लान करना है। इस वीडियो में मैं आपको अपनी लद्दाख ट्रिप की सारी आइटेनरी शेयर करने वाला हूँ कि मैं कहाँ कहाँ का प्लान कर रहा हूँ, कहाँ कहाँ मैं जाऊँगा, कितने दिन का मैं प्लान करने वाला हूँ, कौन कौन सी चीज़ें मैं एक्सप्लोर करने वाला हूँ। पहली बात तो ये, मैं अकेला नहीं जा रहा हूँ, मेरे साथ मेरे कुछ फ्रेंड्स भी चल रहे हैं। अब कितने फ्रेंड्स चलेंगे वो तो उस डे को ही डिसाइड हो पाएगा, क्योंकि हाँ तो सब करते हैं, जैसे आपके फ्रेंड है वैसे मेरे भी फ्रेंड्स हैं, हाँ तो सब करते हैं, उस दिन कौन चल पाता है उस पर डिपेंड करें। इस बार हमने सोचा है कि बार बार लद्दाख ट्रिप करते हैं। मैं तो ठीक है इन फ्यूचर बहुत बार करूँगा, बट मेरे जो फ्रेंड्स आ रहे हैं वो शायद हो सकता है इस बार लास्ट हो। तो हमने सोचा है कि क्यों ना एक ही ट्रिप में सारा लद्दाख एक्सपीडिशन कर लिया जाए। सारा मतलब जो जो मेजर अट्रैक्शन है वो। इस ट्रिप में हम स्पीति वैली, जांस्कर वैली, लेह, नुब्रा वैली, पेंगोंग लेक, हानले, सोमोरीरी, उमलिंगला, ये सब एक्सप्लोर करने वाले हैं। सब एक ही ट्रिप में हम एक्सप्लोर कर लेंगे। इस पूरे ट्रिप में अराउंड 25 से 30 दिन लगने वाले हैं, मैक्सिमम से मैक्सिमम इतने दिन लगेंगे। और बजट जितना हो सकेगा हम मिनिमम रखने की कोशिश करेंगे। मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि मैं 10,000 में पूरा ट्रिप कर लूँगा, आपको कैसे बताऊँ ये वो फलाना, मैं ऐसे कोई प्रॉमिस नहीं करने वाला। जो प्रैक्टिकली खर्चा होगा वो होगा, मैं उस चीज़ को रोक नहीं सकता। तो मैं आपको कम से कम बजट में कैसे प्लान करना है वो बताऊँगा, और इन 25 दिनों में मैं कहाँ कहाँ घूमने वाला हूँ वो सारी आइटनरी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आपको भी अच्छे से समझ में आ जाएगी अगर आपको भी पूरा लद्दाख एक साथ करना है या फिर अलग अलग इन वैलीज का ट्रिप करना है तो आप कैसे प्लान कर सकते हैं, कितने दिनों का प्लान कर सकते हैं। इस ट्रिप को मैंने दिया है जर्नी ऑफ लाइफ टाइम, मतलब जिंदगी में जो एक बार होती है वो जर्नी होने वाली है। ये जिंदगी में एक बार तो सबको करनी ही चाहिए। और अगर आप इस ट्रिप का रेगुलर अपडेट चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो कर लीजिए। मेरा इंस्टाग्राम चैनल है इट्स बीएड बाबा। और अगर आप पूरे वीडियोस देखना चाहते हैं, पूरे ट्रिप को एंजॉय करना चाहते हैं, मेरे साथ पूरे ट्रिप पे बने रहना चाहते हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको पूरे वीडियो मिल सके। तो चलिए डिस्कस करते हैं आपका और मेरा ट्रिप प्लान। बात करते हैं रोड मैप और आइटनरी की। तो इस बार की जो हम जर्नी शुरू करने वाले हैं वो करने वाले हैं चंडीगढ़ से, का मतलब चंडीगढ़ हमारा बेस प्लेस होने वाला है जहाँ से हम अपनी जर्नी को स्टार्ट करेंगे। हम बाइक से जा रहे हैं, हिमालयन बाइक से। कितने लोग होते हैं वो तो उस दिन आपको पता चल जाएगा, मैं आपको लाइव अपडेट देता रहूँगा इंस्टाग्राम पर, तो आप देख लेना। बट अभी ये है कि हम हिमालयन से जाएंगे और बाइक्स लेके जा रहे हैं और चंडीगढ़ से शुरू कर रहे हैं। हम सबसे पहले एक्सप्लोर करेंगे स्पीति वैली। अब इस ट्रिप को हम अलग अलग चैप्टर्स में डिवाइड कर सकते हैं, चैप्टर 1, 2, 3, 4 ऐसे। तो जो हमारा फर्स्ट चैप्टर होगा वो होगा स्पीति वैली से रिलेटेड। तो हम बात कर लेते हैं डे 1 की। डे 1 में हमारा शुरू होता है फर्स्ट चैप्टर। डे 1 में हम जाएंगे चंडीगढ़ से रामपुर, जो शिमला से आगे है, नारकंडा से भी आगे है। ये अराउंड 250 किलोमीटर की जर्नी होने वाली है, हमें 8 से 9 घंटे लगने वाले हैं, क्योंकि हम पूरा एंजॉय करते हुए जाएंगे, आराम से जाएंगे, हमें किसी बात की कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम आराम से ये ट्रिप को करेंगे। तो फर्स्ट डे में हम चंडीगढ़ से रामपुर जाएंगे 250 किलोमीटर की जर्नी करके, और रामपुर में ही हम अपना नाइट स्टे करेंगे। अब बात कर लेते हैं डे 2 की। डे 2 में हम जाने वाले हैं रामपुर से नाको। इस दिन हम ऑफिशियली स्पीति वैली को एंटर कर जाएंगे, जो किन्नौर गेट है, आपने बहुत सारे वीडियोस में या फोटोज़ में देखा होगा, किन्नौर गेट को जैसे ही क्रॉस करेंगे हम स्पीति वैली में एंटर कर जाएंगे, वो किन्नौर के डेंजरस रोड का नज़ारा लेते हुए। इस दिन हम अराउंड 180 किलोमीटर की जर्नी करने वाले हैं, जिसमें हमें 8 से 10 घंटे लग जाएंगे, क्योंकि बहुत ही सीनिक ब्यूटी आएगी, फोटोजेनिक रोड्स होने वाले हैं। तो हम हर जगह रुक के फोटो वीडियो सब कुछ लेंगे, आपके लिए भर भर के कंटेंट आने वाला है, तो फॉलो कर लीजिए मेरे को। इस दिन का जो हमारा नाइट स्टे होगा वो होगा नाको में, ऑफिशियली इन स्पीति वैली। अब बात करते हैं डे 3 की। डे 3 में हम जाएंगे नाको से सीधा काजा,
जो अराउंड 110-120 किलोमीटर की जर्नी होने वाली है, बट इसमें हमें जो टाइम लगेगा वो 8 से 10 घंटे का लगने वाला है। क्यों? क्योंकि एक तो रोड कंडीशंस थोड़ी ख़राब मिलेगी और बीच में कुछ टूरिस्ट डेस्टिनेशंस भी आने वाले हैं, जैसे ग्यू मोनेस्ट्री हो गई, ताबो मोनेस्ट्री हो गई, धनकर मोनेस्ट्री हो गई। ये सारी मोनेस्ट्रीज को हम विजिट करते हुए काजा में जाएंगे और काजा जाके नाइट स्टे करेंगे। अब बात कर लेते हैं डे फोर्थ की। डे फोर्थ हमारे लिए थोड़ा सा रिलैक्सिंग होने वाला है। इस दिन हमें थोड़ी कम बाइक चलानी पड़ेगी और हम काजा के आसपास की चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे, जिसमें एक तो काजा का लोकल मार्केट हो गया, फिर हिक्कीम, कोमिक, लांगजा ये हो गए, इसके बाद चिचम ब्रिज हो गया, ये सब एक्सप्लोर करेंगे। साथ में की मोनेस्ट्री हो गई, वो भी एक्सप्लोर करेंगे और आराम से रिलैक्स करेंगे और नाइट स्टे फिर से हम काजा में ही करने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं डे फिफ्थ की। डे फिफ्थ में हम जाने वाले हैं काजा से चंद्रताल लेक। अगेन आपको पता ही है, जैसे चंद्रताल लेक आपने मेरा पिछला वीडियो जरूर देखा होगा स्पीति वैली वाला, तो चंद्रताल लेक जो स्पीति वैली की कुछ हाइट पे स्थित एक लेक है जो काजा से अराउंड 100 किलोमीटर की दूरी पे पड़ती है, और जहाँ तक पहुँचने के लिए हमें सबसे पहले तो कुंजुम पास क्रॉस करना पड़ेगा और उसके बाद कुछ हमें थोड़ा सा ट्रैक करना पड़ेगा। अराउंड हाफ एन आवर का कोई ट्रैक है, वो ट्रैक करके हम चंद्रताल लेक पे पहुँचेंगे। फिर हम नाइट कैंप में स्टे करने वाले हैं और नाइट में स्टार गेजिंग के मज़े लेने वाले हैं, क्योंकि चंद्रताल जो लेक है वो फेमस ही इस चीज़ के लिए ही है। अब बात कर लेते हैं डे सिक्स की। डे सिक्स में हम निकलेंगे चंद्रताल से और हमें पहुंचना है दारचा, जो कि अराउंड 140 किलोमीटर की जर्नी होने वाली है और इसमें भी हमें 8 से 10 घंटे का टाइम लग जाएगा। क्यों? क्योंकि जो स्पीति वैली का सबसे एडवेंचरस जो रूट होने वाला है वो काजा से लेके दारचा तक का ही होने वाला है। ये सबसे एडवेंचरस रूट है, एडवेंचरस किस सेंस में, ऑफ रोडिंग की वजह से। तो इसमें ऑफ रोडिंग ज़्यादा मिलेगी तो हमें एक्स्ट्रा टाइम लग जाएगा। तो हम ये 140 किलोमीटर की जर्नी करके हम पहुंचेंगे दारचा और दारचा में ही नाइट स्टे करेंगे। वहां हम कुछ नहीं करने वाले, जाते ही सीधा रेस्ट करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा टायरिंग डे होने वाला है, क्योंकि इतनी ऑफ रोडिंग करके आएंगे तो बहुत ज़्यादा थक जाएंगे, तो दारचा में हमें नाइट स्टे करना है। यहाँ ख़त्म होता है अपनी ट्रिप का फर्स्ट चैप्टर, स्पीति वैली कंप्लीट। अब नेक्स्ट डे से हमारा शुरू होगा चैप्टर टू, डे सेवंथ। इस दिन हमारा चैप्टर टू शुरू होने वाला है। चैप्टर टू में हम जाएंगे जांस्कार वैली। इस दिन हमें जाना है दारचा से पुरने तक, जो जांस्कार वैली का एक छोटा टाउन है। टाउन क्या बोल सकते हैं, विलेज है। ये अराउंड 100 किलोमीटर के आसपास की जर्नी होने वाली है, बट इसमें भी हमें 8 से 10 घंटे लग जाएंगे, क्योंकि जांस्कार वैली फेमस ही ऑफ रोडिंग के लिए ही है। वहाँ पे रोड कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब मिलने वाली है, तो हमें टाइम ज़्यादा लगेगा। दारचा को क्रॉस करेंगे, दारचा चेक पोस्ट को क्रॉस करने के बाद हम क्रॉस करेंगे शिंकुला पास। शिंकुला पास को क्रॉस करके हम जाएंगे गोम्बो रंजन, वहाँ थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे और उसके बाद हम जाएंगे पुरने, जहाँ हमारा नाइट स्टे होने वाला है। अब बात कर लेते हैं डे एट की। डे एट में हमें सुबह बहुत जल्दी उठना है और हमें जाना है फुतकल मोनेस्ट्री देखने। सुबह जल्दी इसलिए उठना है क्योंकि वहाँ तक पहुँचने के लिए हमें थोड़ा सा ट्रैक करना पड़ेगा। थोड़ा सा तो क्या, बहुत ज़्यादा ही, आने जाने का लगभग 3 से 4 घंटे का ट्रैक होगा। वो ट्रैक करके हमें फुतकल मोनेस्ट्री देख के आनी है। वो देख के आएंगे और फिर हम जाएंगे पुरने से पादुम की तरफ। पादुम जो जंस्कार का हेडक्वार्टर विलेज है। पुरने से जो पादुम की दूरी है वो अराउंड 60 किलोमीटर की होने वाली है और हमें 3 से 4 घंटे उसमें भी लग जाएंगे। तो हमें जल्दी वो मोनेस्ट्री देख के आना है और 3-4 घंटे की ड्राइव करके वापस पहुंचना है पादुम, और ये डे हम पादुम में स्पेंड करेंगे। पादुम में हम क्या करेंगे कि जैसे ही हम पादुम पहुंचेंगे तो वहाँ पे एक स्ट्रोंगडे मोनेस्ट्री करके है, वो स्ट्रोंगडे मोनेस्ट्री देख के आएंगे, जहाँ से एकदम जंस्कार वैली का 360 व्यू दिखता है। वहाँ जाके आएंगे और जो लोकल जो पादुम का मार्केट है वो देखेंगे। इसके अलावा ज़्यादा पादुम में कुछ एक्सप्लोर करने जितना है नहीं। अगर आप चाहते हैं कि लोकल लोगों का रहन सहन, खाना पीना, वो सब एक्सप्लोर करना है, तो आप एक दिन और रुक सकते हैं पादुम में, बट हमारा ऐसा कोई प्लान नहीं है। हम नेक्स्ट डे आगे बढ़ेंगे, तो हम यहाँ पादुम में नाइट स्टे करके नेक्स्ट डे आगे बढ़ जाएंगे। अब आता है डे नाइन्थ। डे नाइन्थ में हमें एग्जिट करना है जंस्कार वैली से। अगेन हमारे पास 3 रास्ते हो सकते हैं जंस्कार वैली से एग्जिट मारने के। या तो हम जैसे आए हैं उसी रास्ते से वापस निकल जाएं, दूसरा ये है कि हम पादुम से कारगिल रोड पे निकलें। हमें जाना है ले, तो हम क्या करेंगे, तीसरा रूट लेंगे, जो मेरा पर्सनल फेवरेट रूट भी है और थोड़ा सा डेंजरस रूट भी है, थोड़ा ऑफ रोडिंग वाला रूट भी है,
और थोड़ा ऑफ बीट भी है। तो हम जो रूट लेंगे वो होगा लिंक शेड से सिलसिला और सिंगेला वाला रूट। ये थोड़ा सा टायरिंग रूट होने वाला है, अराउंड 165 किलोमीटर का, जिसमें हमें 10 से 12 घंटे लग जाएंगे, जो निकलेगा कारगिल ले हाईवे पे लामायुरू में। तो हम सुबह बहुत जल्दी उठ गए, चार बजे अराउंड उठ जाएंगे, 5 से 5:30 बजे तक हम निकल जाएंगे लामायुरू के लिए, ताकि हम अंधेरा नहीं हो उससे पहले लामायुरू पहुंच जाए और हम लामायुरू में जाके नाइट स्टे करेंगे। इस तरह से हमारा जो सेकंड चैप्टर है वो एंड हो जाएगा और जंस्कार वैली की ट्रिप पूरी हो जाएगी। अब बात करते हैं डे 10th की। डे 10th में हमारा चैप्टर 3rd शुरू होने वाला है, जो लेह को एक्सप्लोर करने का है। तो हम डे 10th में जाएंगे लामायुरू से लेह के लिए, जो कि अराउंड 120 किलोमीटर की जर्नी होने वाली है और रोड एकदम आपको मक्खन मिलने वाला है। तो आपको जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है और सुबह आराम से उठ के हम निकल जाएंगे। हम सबसे पहले लामायुरू में जो मूनलैंड है उसको एक्सप्लोर करेंगे, फिर रास्ते में पत्थर साहब गुरुद्वारा देखेंगे, संगम देखेंगे और मैग्नेटिक हिल भी एक्सप्लोर करेंगे। इस तरह से एक्सप्लोर करते हुए हम शाम को 3-4 बजे तक ले पहुंच जाएंगे। अब बात कर लेते हैं डे 11th की। डे 11th हमारा थोड़ा सा रिलैक्सिंग वाला दिन होने वाला है और इस दिन हम ले लोकल एक्सप्लोर करेंगे, जिसमें हम शांति स्तूपा जाएंगे, हॉल ऑफ फेम जाएंगे, जोरावर फोर्ट जाएंगे, नामग्याल सिमो जाएंगे और शाम को लोकल लेह मार्केट को एक्सप्लोर करेंगे। इस तरह से हम अपने आप को एक्लाइमेटाइज करेंगे और लेह को एक्सप्लोर करेंगे और नाइट स्टे वहीं लेह में करने वाले हैं। और इस तरह से अपना चैप्टर 3 एंड हो जाएगा लोकल लेह को एक्सप्लोर करने का। अब बात कर लेते हैं डे 12th की। डे 12th में हमारा चैप्टर 4 शुरू होने वाला है, जो हम जाएंगे नुब्रा वैली में। तो लेह से अराउंड 120 किलोमीटर की जर्नी करके हम जाएंगे नुब्रा वैली, टू बी प्रिसाइज हुंडर विलेज। लेह से नुब्रा वैली के बीच में आपको जो सबसे ऊंचा पास मिलने वाला है वो है खारदुंगला, जो एक टाइम पे वर्ल्ड का हाईएस्ट मोटरेबल पास हुआ करता था। तो हम खारदुंगला को एक्सप्लोर करेंगे, वहाँ फोटो वोटो खिंचवाएंगे और सीधे चले जाएंगे हुंडर, और बीच में एक डिस्किट मोनेस्ट्री भी आएगी। डिस्किट में मोनेस्ट्री एक्सप्लोर करेंगे, जो मैत्रेयी बुद्धा की जो बड़ी वाली स्टेचू बनी हुई है उसको देखेंगे, फोटो खिंचवाएंगे, वहाँ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके हम चले जाएंगे हुंडर विलेज, जहाँ हमें सैंड ड्यून्स पे मज़े करने हैं और डबल हम्प वाले कैमल की राइड करनी है। हम नाइट स्टे वहीं हुंडर में करने वाले हैं। हमारा तुर्तुक या सियाचिन का फिलहाल प्लान नहीं है, टाइम की कमी है, इस वजह से हमारा ये प्लान नहीं है फिलहाल। डे 13 में हम जाएंगे हुंडर से पेंगोंग लेक। ये बहुत ही ज़्यादा इस पूरे ट्रिप की टायरिंग जर्नी होने वाली है, जो अराउंड 180 से 200 किलोमीटर की जर्नी होने वाली है और बहुत ज़्यादा ऑफ रोडिंग वाली जर्नी होने वाली है, जो हम हुंडर से पेंगोंग लेक के लिए जाएंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सुबह जल्दी निकलेंगे और शाम होते होते पेंगोंग लेक चले पहुंच जाएंगे। पेंगोंग में हम जाके मेराक विलेज में हमारा नाइट स्टे करने का प्लान है, अगर वहाँ पहुँच गए तो वहाँ नाइट स्टे करेंगे। मेराक विलेज में रुकने का प्लान इसीलिए हमारा क्योंकि वो लेक के बिल्कुल किनारे पे स्थित है, तो हम अर्ली मॉर्निंग भी लेक का मज़ा ले सकते हैं, जो व्यूज़ होते हैं उनका मज़ा ले सकते हैं, नाइट व्यू का मज़ा ले सकते हैं और आराम से वहाँ रुक सकते हैं। थोड़ा सस्ता भी मिल जाएगा, जो कैंप्स लगे हुए उनसे थोड़ा सस्ता भी पड़ जाएगा मेराक विलेज में। इस दिन हमारा चैप्टर 4th एंड हो जाएगा। अब बात करते हैं डे 14th की। इस दिन शुरू होगा हमारे ट्रिप का चैप्टर 5th। इस दिन हम जाएंगे पेंगोंग से हानले। हानले वो बेस्ट विलेज है जहाँ से उमलिंगला की चढ़ाई शुरू होती है। तो हम 150 किलोमीटर की जर्नी करके हम जाएंगे हानले। मोस्ट ऑफ द रोड आपको अच्छा मिलने वाला है, बीच में शुरू में थोड़ा खराब मिलेगा, बाकी मोस्ट ऑफ द रोड आपको ठीक मिलेगा। इसमें भी अराउंड 8 से 10 घंटे लगने वाले हैं और हानले जाके हम अपने लिए रहने का जुगाड़ करके हम सोलर ऑब्जर्वेटरी देखने चले जाएंगे, जहाँ से बिल्कुल हानले विलेज का बहुत शानदार व्यू दिखता है। हम उसी दिन उमलिंगला के लिए ट्राई नहीं करेंगे क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी बॉडी थोड़ी सी एक्लाइमेटाइज हो जाए। और हानले स्टार गेजिंग के लिए भी बहुत ज़्यादा फेमस है, तो आप चाहे तो वहाँ पे स्टार गेजिंग भी कर सकते हैं। हमारा भी सेम प्लान है। अब है डे 15th में हमें क्या करना है, उमलिंगला के लिए ट्राई करना है। ट्राई क्या करना है, मोस्टली हमें वहाँ पहुँचना ही है कैसे भी करके। अब इसके दो रूट है, एक फोटिला की तरफ से जाता है, एक नूरबुला की तरफ से जाता है। हम क्या करने वाले हैं, फोटिकला की तरफ से तो जाएंगे और नूरबुला की तरफ से वापस आएंगे, तो ये हमारा पूरा सर्किट हो जाएगा। ये सर्किट अराउंड 165 किलोमीटर का होने वाला है और हम क्या करेंगे, उमलिंगला जाके वापस आके हानले में ही नाइट स्टे कर लेंगे। अब बात कर लेते हैं डे 16th की।
डे 16 में हम क्या करेंगे, हम जाएंगे हानले से सो मोरिरी के लिए। सो मोरिरी अगेन बहुत हाई अल्टीट्यूड पे सिचुएटेड एक लेक है, वहाँ पे आप कैंपिंग कर सकते हो खुद की, वहाँ कैंप्स में आप रुक सकते हो, नाइट में स्टार गेजिंग भी कर सकते हो। सो मोरिरी भी स्टार गेजिंग के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, आप वहाँ जाओगे तो आपको मज़ा सा आ जाएगा नज़ारों का आनंद लेके। ये अराउंड 140 किलोमीटर की जर्नी होने वाली है और इसमें भी हमें 8 से 10 घंटे का टाइम लग जाएगा। रोड तो ठीक है बट बीच में सीनिक ब्यूटी बहुत ज़्यादा आएगी, बीच में पुगा वैली आएगी जो हॉट स्प्रिंग के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, तो उसको एक्सप्लोर करेंगे, वहाँ पे एक लेक है उसको एक्सप्लोर करेंगे। तो ये सब देखते हुए 8 से 10 घंटे में हम सो मोरिरी लेक पहुँच जाएंगे और वहाँ जाके नाइट स्टे करने वाले हैं। इस तरह से हमारा चैप्टर 5th एंड हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं डे 17 की। 17वें दिन हमारा जो चैप्टर 6 है वो शुरू होगा और हम वापस एग्जिट मारने वाले हैं। तो 17वें दिन हम जाएंगे सो मोरिरी से जो लेह मनाली हाईवे पे मोरे प्लेन्स के लिए जो रास्ता जाता है वहाँ, उस रास्ते से हम होते हुए मोरे प्लेन्स होके हम पांग में जाने का ट्राई करेंगे कि पांग पहुँच के नाइट स्टे कर ले। ये अराउंड 180-200 किलोमीटर की जर्नी होने वाली है और हम इसको 8 से 10 घंटे में पूरा कर लेंगे क्योंकि बीच में एक सोकर लेक भी आएगी, उसको देखते हुए जाएंगे। तो एक्सप्लोर करते हुए हम मोरे प्लेन्स में एंटर करेंगे और मोरे प्लेन्स से पांग जाके नाइट स्टे कर लेंगे। अब है डे 18th में हमें जाना है पांग से मनाली के लिए। तो ये अराउंड 250 से 270 किलोमीटर के बीच की जर्नी होने वाली है और इसको भी 8 से 10 घंटे हमें लग जाएंगे क्योंकि इसके बीच में बहुत ज़्यादा सीनिक ब्यूटी आने वाली है। 21 घाटा लूप्स आएंगे, 12 लाचला आएगा, तंगलांगला आएगा, ये सारी सिसु आएगा, अटल टनल आएगी, ये सब क्रॉस करते हुए इन सबको देखते हुए हम मनाली पहुँच जाएंगे और नाइट स्टे मनाली में कर लेंगे। अब है डे 19th भी हमारा रिलैक्सिंग वाला डे होने वाला है क्योंकि हम इस दिन जश्न मनाएंगे कि हमारी जर्नी पूरी हो गई है। अगर हो गई तो टाइम फ्रेम जो मैं भी बता रहा हूँ उसमें पूरी हो गई, तो नहीं भी हुई तब भी कर लेंगे, क्या दिक्कत है। इस दिन हम ट्राई करने वाले हैं पैराग्लाइडिंग के लिए, बंजी जंपिंग के लिए, रिवर राफ्टिंग के लिए, ये सब चीज़ें हम मनाली में ट्राई करेंगे और आराम से रिलैक्स करेंगे और शाम को मॉल रोड घूम के आएंगे और वापस नाइट स्टे हम मनाली में ही करेंगे। इस तरह से हमारी जर्नी के सारे चैप्टर ख़त्म हो जाएंगे। अब बात कर लेते हैं डे 20th की। 20वें दिन हम क्या करेंगे, मनाली से सीधा चंडीगढ़ पहुंच जाएंगे जो हमारा बेस सिटी थी जहां से हमने शुरू किया था, हम वापस वहीं पहुंच जाएंगे। तो ये थी 20 दिन की एकदम कट टू कट आइटिनरी, बट मुझे मेरी किस्मत पे बहुत अच्छे से भरोसा है, जैसा मैं प्लान करता हूं वैसा हो जाए ऐसा नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो हम क्या कर रहे हैं कि 4-5 दिन स्पेयर में लेके चलेंगे, तो उससे क्या होगा कि अगर कहीं फंस भी गए, कुछ हो गया, तो हमारे पास आराम से दिन रहेंगे, हम आगे का ट्रिप पूरा कर सकें, हमें कोई भी चीज़ स्किप नहीं करनी पड़े। तो हम अराउंड 25 दिन का प्लान करने वाले हैं। अब ये क्वेश्चन आता है कि क्या मुझे इतने दिन की छुट्टियां मिल जाएगी, मैं इतने दिन का प्लान कर रहा हूँ। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि मैंने जॉब छोड़ दी है। काश मैं सब बोल पाता। मैंने कोई जॉब नहीं छोड़ी है, जॉब की ज़रूरत है मुझे भी, पैसे चाहिए घूमने के लिए, ऐसे ही नहीं घूमा जाता। तो छुट्टियों की बात करें तो मुझे छुट्टी आराम से मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, आपको भी बोरिंग लगने लग जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि हम बैकपैकिंग कैसे कर रहे हैं, हम क्या क्या सामान लेके जाने वाले हैं। अगले वीडियो में बात करेंगे कि इससे रिलेटेड क्या क्या टिप्स हैं जो मैं आपको बता सकता हूँ, अगर आप भी बैकपैक कर रहे हैं तो आपके किस तरह से वो काम में आ सकती है। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि इस बार कौन कौन पूरा लद्दाख अटेम्प्ट करने वाला है, या फिर पूरा लद्दाख अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं तब भी इस आइटिनरी में से कौन कौन किस किस डेट को किस आइटिनरी पे अवेलेबल होने वाला है, ताकि हम मिल सकें और हो सके तो ज्वाइन भी कर लें। तो बने रहिए मेरे साथ इस सीरीज़ में, जर्नी ऑफ लाइफ टाइम। मिलते हैं इस सीरीज़ के अगले वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव।